वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ उस चीजों को मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करता हूँ। मैं मेरा बेस्ट दूंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए और आपको यह वीडियो अच्छे से समझाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आपने चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में ट्रेंड लाइन को किस तरह से ड्रॉ करना है उसके बारे में आपको सिखाऊंगा। एक वैलिड ट्रेंड लाइन किस तरह से अपन ड्रॉ कर सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आप उसको मास्टर करेंगे तो आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने में एकदम परफेक्ट बन जाएंगे। तो आज की वीडियो में आप ये 4 पॉइंट सीखने वाले, ट्रेंड लाइन को किस तरह से ड्रॉ करना चाहिए, एक वैलिड ट्रेंड लाइन हम किसको मानेंगे, आप ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कर किस तरह से आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं, और आपको कहाँ पर एग्जिट करना है, और आपको कहाँ पर ट्रेंड लाइन का यूज़ करना है और कहाँ पर नहीं करना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आपने इन पॉइंट को अच्छे से समझ लिया और इस पर प्रैक्टिस की तो यकीन मानिए आप ट्रेंड लाइन में मास्टर बन जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बेसिक को समझेंगे। तो हम सबसे पहले जनरली जानते हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड होता है और डाउन ट्रेंड होता है। जब प्राइस अप ट्रेंड में चलती है तो वह हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर की ओर मूव होती है, और जब मार्केट में डाउन ट्रेंड होता है तब लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन कर मार्केट नीचे की ओर मूव होता है। तो सिंपल है, अब हमें एक आइडेंटिफाई करना है मार्केट का अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। सिंपली हमें देखना पड़ेगा, अगर इसको आप ये और इजी से समझने की कोशिश करेंगे, हायर हाई और हायर लो को छोड़ दीजिए, बस इतना देखना है हमें प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। सिंपली एक कंसेप्ट को यूज करना है, बस आपको ऐसा एन पैटर्न की टाइप देखना होगा, क्या ये एन पैटर्न ऊपर की साइड ब्रेक करते हुए जा रहा है, बनते हुए जा रहा है, तो आप बोलेंगे ये अप ट्रेंड है। अगर मान लीजिए अगर यही पैटर्न इन्वर्टेड एन टाइप पैटर्न बना रहा है इस तरह से डाउन साइड के लिए, तो हम इसको सिंपली डाउन ट्रेंड समझेंगे। बस इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, हमें ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। तो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे ज़रूरी रूल्स है कि हमें 2 मेन पॉइंट चाहिए। मेन पॉइंट मतलब हमें 2 स्विंग पॉइंट चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे पहला जो पॉइंट मिल रहा है हमें या इस लेवल के पास मिल रहा है लगभग ये वाला, देखिए ये वाला हमारा फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है हमें, और सेकंड पॉइंट हमें कहाँ पर मिल रहा है, ये वाला हमें क्या मिल रहा है, सेकंड पॉइंट मिल रहा है, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर तो इस पॉइंट तक हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। आपको ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो यहाँ पे देखिए ये ट्रेडिंग व्यूअर चार्ट है, यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन सब मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जस्ट सेकंड नंबर के ऑप्शन पर, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने पर जैसे आप ये लोअर पॉइंट है यहाँ पर क्लिक करेंगे और जस्ट इसको आपको एक्सटेंड करना है कहाँ तक, सेकंड पॉइंट तक, बस सेकंड पॉइंट तो आपको एक्सटेंड करना है और यहाँ से सिंपली लाइन को ड्रॉ कर देना है, बस सिंपल। अब आपको यहाँ से यहाँ तक आपकी एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी, और जैसे ही आपको 2 पॉइंट मिलने के बाद आपको इसको एक बस सिंपली एक्सटेंड करते हुए जाना है। जैसे ही आप एक्सटेंड करें तो आपको एक देखेगा प्राइस अपने जो ट्रेंड लाइन है उसको रिस्पेक्ट कर रही है। फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पर वेट किया था, सेकंड टाइम वही पर वही से प्राइस बाउंस हुआ है, थर्ड टाइम क्या होता है, अब हमें 2 पॉइंट मिलने पर हमें एक अंदाजा आता है कि यहाँ थर्ड टाइम प्राइस इस लेवल के आसपास क्या करेगा, यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट कर सकता है या फिर यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे हमें 2 सिग्नल मिल जाते हैं, तो आप देख सकते हैं सिंपली तो इसने कितनी रिस्पेक्ट किया है अपनी ट्रेंड लाइन को। तो इसी तरह से अपन ड्रॉ करते हैं, ये हुआ हमारा अप ट्रेंड में ड्रॉ करने का तरीका। हम अप ट्रेंड में जब भी ड्रॉ करते हैं इसको याद रखिए हम लोअर साइड से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। कभी कभी आप देखेंगे हम अपर साइड से भी ड्रॉ करें, अपर साइड से क्यों ड्रॉ करते हैं मैं उसको भी बताऊंगा, पर लोअर से आपको सिग्नल करता है बाय करने के लिए। एक बार इसको बता देते हैं, अगर मान लीजिए कोई होगा जो अपर साइड से ड्रॉ करता है, उसको यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, एक 2 पॉइंट दिख रहे हैं, एक ये वाला पॉइंट है और नेक्स्ट जो पॉइंट दिख रहा है ये वाला एक पॉइंट दिख रहा है, तो हम यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन को तो ड्रॉ कर ही सकते हैं। पर ये जो ट्रेंड लाइन बनेगी ना, तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन होगी ये हमें रेजिस्टेंस का काम करेगी, जो नीचे की लाइन होगी ये सपोर्ट का काम करेगी। तो इसको इस चीज को हमें समझना है प्राइस को। अब यहाँ पर अपर साइड में हमें जो सिग्नल मिलेगा वो होगा हमारा प्रॉफिट बुक करने के लिए। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा तब हम वहाँ पे सेल नहीं करेंगे, तब हम वहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट होगा उसको बुक करेंगे। तो अपर लाइन प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल देगी और लोअर लाइन हमें या मतलब हमारी पोजिशन बनाने का बाय एंट्री का सिग्नल जनरेट करेगी। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।
अब वैसे है सिंपल सा कंसेप्ट है डाउन ट्रेंड में, बस सिंपल मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पर आप हमें 1 पॉइंट मिल रहा है, फिर हमें यहाँ पर भी क्या हो रहा है सेकंड पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहा है। अब क्या करेंगे हम, बस थर्ड पॉइंट यहाँ पे से एक ट्रेंड लाइन लेंगे ये वाली, और यहाँ से सेकंड पॉइंट को बस ज्वाइन करना है हमें और इसको एक्सटेंड करते हुए जाना है। जैसे ही करेंगे या 1 पॉइंट सेकंड एम थर्ड डे हमें क्या मिल रहा है कि प्राइस अपनी जो ट्रेंड लाइन है उसको रिस्पेक्ट करके लोअर साइड की ओर ब्रेक हो रही है। बस इसी तरह से सिंपल कंसेप्ट है कि ट्रेंड लाइन को किस तरह से अपन ड्रॉ करते हैं। अब सीधा अपन चलते हैं चार्ट पर और वहां पर समझेंगे कि ट्रेंड लाइन एक्चुअल में प्राइस में किस तरह से ड्रॉ की जाती है। ये जो मैंने बताया आपको ये क्या है, एक रफ स्ट्रक्चर है प्राइस एक्शन का, पर प्राइस जनरली ऐसा मूव करता ही नहीं है, हमें रियल प्राइस में समझना पड़ेगा किस तरह से अपन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते। तो आइए अपन चलते हैं प्राइस में, ठीक है मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। चलिए आ चुके अपन प्राइस में। अब सिंपल सा चार्ट है, अब कहाँ पर भी चलिए यहाँ पर थोड़ा सा बैक ले दे, अपन बैक ले दे। अब यहाँ पर आइए, क्या मैंने बोला था आपको हमें क्या ढूंढना है, 2 पॉइंट ढूंढने, 2 पॉइंट ढूंढने। अब कहाँ पे दिख रहा है हम सबको, सबसे पहला हमें 1 पॉइंट दिख रहा है, या ये देखिए सबसे पहले दिख रहा है हमें यहाँ पर, राइट ये वाला 1 पॉइंट है हमारे लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमें कहाँ दिख रहा है, नेक्स्ट पॉइंट ये यहाँ पर दिख रहा है। कोई बोलेगा ये भी है यहाँ से भी सेम है, आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, पर ये थोड़ा ज्यादा मतलब इसका जो एंगल बन रहा है ना 45 से ऊपर बन रहा है। जनरली हम ट्रेंड लाइन को जो फॉलो करते हैं वो 35 से 45 के एंगल के बीच में ड्रॉ करते हैं, तो हम इसको एक वैलिड मानेंगे। ये थोड़ा ज्यादा ही मतलब थोड़ा सा बहुत मतलब एंगल इसका बड़ा हो रहा है, तो ये जनरली इतना अच्छा काम नहीं करता, पर 45 के नीचे वाले एंगल की जो ट्रेंड लाइन बनते हैं वो बहुत अच्छे से काम है। अब जैसे ही हमें 2 ट्रेंड लाइन पॉइंट मिले, बस हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों इसको ड्रॉ करेंगे। सिंपल देखिए एक यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर लिया है, क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पे मुझे 1 पॉइंट मिला, नेक्स्ट टाइम हमें यहाँ पर एक सेकंड पॉइंट मिला है, राइट। अब यहाँ पे जैसे ही हमें सेकंड मिला, थर्ड पॉइंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मुझे एक थर्ड पॉइंट मिला है। अब यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट बना है ये थोड़ा सा पूरी एक एग्जैक्टली रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब पूरी तरह टच है, थोड़ा सा हिस्सा इसका नीचे गया। तो प्राइस एक्शन इसी तरह काम करता है, क्योंकि मैंने जैसे बोला रियल प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब आप रियलिटी में आप ट्रेड करेंगे तो आपका कभी प्राइस ऊपर टच करेगा, कभी आपका प्राइस नीचे टच करेगा। ये तो प्राइस पर भी निर्भर करता है कि किस तरह से आप ट्रेड कर रहे हो और किस तरह से आप लाइन को ड्रॉ कर रहे हो। सिंपल नेक्स्ट ट्रेड जो होगा आपका, अगर अब मान लीजिए जैसे भी आपको दिख रहा है फर्स्ट पॉइंट दिखा, सेकंड पॉइंट दिखा, थर्ड पॉइंट दिखा, अब किसी को यहाँ पर ये फोर्थ पॉइंट दिखेगा। अब जिस तरह से हम पहले जो 3 पॉइंट होते हैं उनको ही वैलिड पॉइंट मानेंगे, याद रखिएगा जो भी पहले 3 पॉइंट्स हो गए उन्हीं को हम वैलिड मानेंगे। फोर्थ जो पॉइंट होगा तो वहां पर जनरली और जो ट्रेंड लाइन होगी वो थोड़ा सा मतलब इतनी अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं करेगी, उस ट्रेंड लाइन को प्राइस फॉलो नहीं करेगा। क्या होता है जब भी बायर्स आ रहे हैं यहाँ पर, क्या समझ में आ रहा है हमें, इस ट्रेंड लाइन के पास बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, बायर्स या तो ऊपर लेके चले गए, नेक्स्ट टाइम क्या दिख रहा है बायर्स सेकंड टाइम ट्रेंड लाइन के पास आए, यहाँ से फिर से बायर्स ने ट्राई किया ऊपर की साइड लेके चले गए, राइट। थर्ड टाइम भी गया बायर्स ऊपर लेके गए, पर आपने थोड़ा सा डिफरेंस नोटिस किया है, जब बायर्स ने यहाँ पर ट्राई किया तो इतना बड़ा ट्रेंड आया, जब नेक्स्ट टाइम बायर्स ने जब ट्राई किया है बाइंग मतलब प्राइस को ऊपर लेके चले गए तो थोड़ा सा पिछले वाले से कम ट्रेंड है ये, और जो थर्ड टाइम भी जो ट्रेंड हुआ है ये इस वाले से भी कम है, मतलब कहीं ना कहीं बायर्स अभी वीक हो रहे, और जब बायर्स वीक होते तो ट्रेंड लाइन को इतना रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वहां पर सेलर्स भी एक्टिव हो जाते हैं। अब सेलर्स एक्टिव तो इसने क्या किया, इसने ब्रेक डाउन किया है नीचे की साइड में, तो इसीलिए थर्ड टाइम के लिए हम इसको ज्यादा वैलिड नहीं मानते। थर्ड टाइम के लिए बाय साइड का हो या सेल साइड का हो, तो थर्ड टाइम में जब भी आता है प्राइस तब वो क्या करता है जनरली ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट लेने की कोशिश करता है, ठीक है आप यहां तक समझ गए। अब अपन फिर से चलते हैं एक और बार, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन और अच्छे से समझने की कोशिश, यहाँ पे लेते हैं अपन ये लीजिए, ये 1 पॉइंट दिख रहा है हमें, यहाँ पर आते हैं अपन, तो हमें सबसे पहला पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ये 1 पॉइंट दिख रहा है। आप चाहे तो यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं इस लेवल के पास से, आप पर है, आप पर डिपेंड करता है। हमारे रूल्स में क्या है, आप 2 मेन पॉइंट हमें मिलने चाहिए, बस सिंपल सा एक रूल है कि हमें 2 पॉइंट मिल जाए, एक सेकंड पॉइंट है फिर यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट मिल रहा है, राइट।
पर हमारा रूल क्या है कि हम सिर्फ दो पॉइंट को देखेंगे, उसके हिसाब से देखेंगे कि थर्ड पॉइंट को ही रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता है। अब यहाँ से मैंने ड्रॉ किया है सिंपल, ये देखिए इसको मैं ड्रॉ करूंगा इस तरह से। अब ये कहाँ पर फॉलो कर रहा है, इसने यहाँ पर नहीं फॉलो किया, इसने क्या किया यहाँ पर फॉलो किया है। तो प्राइस थर्ड टाइम कहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है, तो जो भी हमारी एंट्री बनेगी ना तो ये यहाँ पर नहीं बनेगी, ये बीच में कहीं पे नहीं बने। चलती ट्रेन में हम कभी भी एंटर नहीं कर सकते, जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है वहां पे हम एंट्री करते हैं, वहां पे हम ट्रेन के अंदर चलते हैं। चलती हुई ट्रेन के अंदर कोई भी नहीं बैठता, राइट। उसी प्रकार ट्रेन लाइन में भी सेम कंसेप्ट है। आप यहाँ पे हाँ, ये पहला स्टेशन है इसका, ये उसका दूसरा स्टेशन है, तो तीसरा स्टेशन हमें दिख रहा है कि यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे बोला था ट्रेन लाइन एकदम परफेक्टली मैच नहीं करेंगे, इसके आसपास से घूमेगी, और ये नहीं इस प्राइस ने क्या है आसपास से घूमा है और यहाँ से ऊपर गया। नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे आया, फोर्थ पॉइंट। हो सकता है थर्ड पॉइंट तक ये वैलिड काम करेगी, फोर्थ पॉइंट में हो सकता है ले या फिर ना ले। अब इसने क्या, इस प्राइस ने क्या फोर्थ पॉइंट पर बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, और फिफ्थ पॉइंट में इसने ब्रेक डाउन दिया है। जैसे मैंने बोला था आपको, फिफ्थ फोर्थ पॉइंट के बाद में ये कभी भी ब्रेक डाउन हो सकती है, इसमें ज्यादा वैलिड नहीं रहे। और अगर किसी ने यहाँ पर बाय भी या सेल भी किया होगा तो उसको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिला है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसमें एंट्री करनी है, कहाँ पे आपका एसएल लगाना है और कितना टारगेट लेना चाहिए। जनरली ये अच्छा खासा बिगनियर के लिए सबसे बेस्ट सेटअप रहेगा, क्योंकि मार्केट में आ रहे हैं। इससे आप क्या हो रहा है, दो चीजें सीखेंगे, मार्केट कहाँ पर सपोर्ट लेता है, कहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है, इस बारे में आप अच्छे से सीखेंगे। सेकंड थिंग, आप जो बिगिनर है उन लोगों के लिए सबसे अच्छा फायदा कहाँ पर होने वाला पता है आपको, उनका माइंड सेट बन जाएगा, जल्द से जल्द उनकी आंखें इतनी अच्छे से ट्रेन होगी कि वो सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे हमने अप ट्रेन में एक एग्जांपल समझा, वैसे ही हम एक डाउन ट्रेन में भी एग्जांपल समझेंगे। तो आप समझ तो गए कि हमारा रूल सबसे बड़ा है, हमारा फर्स्ट रूल है कि हमें दो मेन पॉइंट ढूंढ के निकालने प्राइस में। अब यहाँ इस प्राइस में देखिए आपको कहाँ पर दिख रहा है, सबसे पहला पॉइंट मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला सबसे पहला मेरा पॉइंट बन रहा है, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट जो दिख रहा है ये यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर दिख रहा है मुझे। कोई किसी को होगा यहाँ पर भी दिख सकता है, किसी को यहाँ पर दिखता है, उसी हिसाब से फिर आप चाहे तो यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ से क्या करूँगा, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। अब सिंपली ये पॉइंट दिखा मेरे को, मैंने यहाँ से ड्रॉ कर ली और इसको यहाँ से खींच लिया, सेकंड पॉइंट को मैंने अटैच कर लिया और इस लाइन को मैंने एक्सटेंड किया। अब आपके पास ऑटोमेटिक आपको थर्ड पॉइंट अपने आप मिल जाएगा। ये देखिए इसने कितने अच्छे से इसको रिस्पेक्ट किया, फोर टाइम जिस तरह से अपने प्राइस को सपोर्ट करने के लिए आया था, मतलब रिस्पेक्ट करने के लिए आया था प्राइस, उसी ने क्या किया है, बस प्राइस एक्शन बनाकर अपना जो ट्रेंड लाइन है अपसाइड की उसको ब्रेक किया है। हम ये डाउन ट्रेंड में देख रहे हैं प्राइस एक्शन ट्रेंड लाइन को किस तरह से ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड टाइम आया और फोर्थ टाइम देखिए, जैसे मैंने बोला फोर्थ टाइम इसने क्या किया, अपनी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं किया और उसने ब्रेक कर लिया, क्योंकि ये क्या हुआ इनवैलिड हो गई। अब ये ट्रेंड लाइन इतनी अच्छे से परफेक्टली वर्क नहीं करेगी। तो ये इसका सिंपल सा कंसेप्ट है दोस्तों। अगर मैंने आपको जैसे बोला था, अगर कोई बंदा है इसने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, यहाँ से, और ये नेक्स्ट पॉइंट देखा होगा इसने ऐसे इस तरह से ड्रॉ की होगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पर क्या किया है, सेकंड पॉइंट को टच किया है, राइट, और ये थर्ड जो पॉइंट है इसका, ये कहाँ पर है, ये वाला इसका थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट में इसने क्या किया दोस्तों, अपनी जो ट्रेंड लाइन है उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, अब ये इनवर्ट हो गई, अब ये इसके ऊपर चली गई। तो इसी तक प्रकार से आप जिस जब भी आपको थ्री पॉइंट मिले, थ्री पॉइंट या फिर फोर्थ पॉइंट के ऊपर अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करें, तो आपको नई ड्रॉ करनी है। अगर आप नहीं, आप बस बैठे रहेंगे, बोलेंगे नहीं मैंने जो पुरानी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है उसी के हिसाब से मैं ट्रेड लूंगा, तो आप यहाँ पर फंसेंगे और ट्रैप होगे और सीधा सीधा आपको लॉस होगा। तो आपको मार्केट के हिसाब से आपको चेंज होते रहना पड़ेगा, ओके। तो आप समझ गए होगे कि हमें ट्रेंड लाइन रायो प्राइस में किस तरह से ड्रॉ करनी है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि वैलिड पॉइंट कौन कौन से होते हैं ट्रेंड लाइन में। जैसे कि हम मैं कहीं पर देखता है कि हम कभी कभी कुछ ट्रेडर होते हैं वो वीक टू वीक ज्वाइन करते हैं, कभी कभी कुछ ट्रेडर होते हैं तो क्लोजिंग टू क्लोजिंग भी ज्वाइन करते हैं। मतलब ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करना होता है वो सिंपली क्लोजिंग से क्लोजिंग तक करते हैं। तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। अब देखिए मैंने आपके लिए एक चार्ट निकाला है। अब यहाँ पर कैसा है, अब हमें जनरली कई बार कंफ्यूजन होता है कि हम वीक टू वीक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें या फिर बॉडी टू बॉडी को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। अब सिंपल है, यहाँ पे दिख रहा है हमें, यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी वीक है, सिंपली यहाँ पर भी वीक बड़ी दिख रही है, यहाँ पर भी वीक बड़ी दिख रही है। अब हम जनरली, ये हम पर डिपेंड करता है, प्राइस एक्शन
में या फिर स्टॉक मार्केट में ऐसे 100% कुछ फिक्स नहीं है, तो ये आप पर डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह से ड्रॉ करें। पर एक जरूरी है कि आपको उसी हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा, फिर हॉल लाइफ, फिर आपको पूरी ट्रेडिंग करियर में आपको उसी प्रकार से फॉलो करना है। तो मैं ये जनरली आपको बताता हूँ सबसे पहले किस तरह से ड्रॉ करें। सबसे पहले हमने पॉइंट को आइडेंटिफाई, हमारा फर्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पर मिल चुका है, हमें सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पर मिल चुका है दोस्तों, राइट। अब ये जो दो पॉइंट हमें मिल चुके हैं, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि हमारी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। सिंपली ये लेती है, यहाँ से ले रहे, हमें थर्ड पॉइंट मिल रहा है यहाँ तक। देखिए अब जिस प्रकार हमने ड्रॉ किया है, ये थर्ड पॉइंट आया, और फोर्थ पॉइंट में देखेंगे अपन इसने क्या किया, ब्रेक डाउन दिया है, राइट। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आया है, फोर्थ पॉइंट पे इसने ब्रेक डाउन दिया है। अब कोई होगा जो बॉडी टू बॉडी करेगा, मैंने ये जो जो ज्वाइन किया है ये वीक टू वीक ज्वाइन किया है, अब मैं जो करूंगा ये बॉडी टू बॉडी ज्वाइन करूंगा। अब यहाँ पे रन देते हैं और यहाँ से देखिए ये थोड़ा सा ऊपर है, तो अभी हम बॉडी टू बॉडी ज्वाइन करेंगे। इसको मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया, ये थोड़ा ऊपर चला गया था ये वीक के, तो मैंने इसको एडजस्ट कर लिया अभी। तो ये देखिए ये हुई इसकी बॉडी हुई यहाँ पर ऊपर की साइड, मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करता हूँ बॉडी टू बॉडी। अगर आप बॉडी टू बॉडी भी अगर ड्रॉ करेंगे दोस्तों, ये सिंपली इसको फॉलो करा, यहाँ पे फॉलो किया ए वन टाइम, नेक्स्ट टाइम इसने यहाँ पर फॉलो किया, अब ये यहाँ पर देखिए इसने यहाँ पर भी फॉलो किया, थोड़ा सा रह सकता है थोड़े के लिए अपन कोई प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे इसने एक वीक को ट्राई ट्रेन किया है, पर यहाँ पे देखिए बॉडी किया है, यहाँ पे पूरी तरह से बॉडी को रिस्पेक्ट किया है, राइट। तो इस तरह से आपको समझ गए होगे कि मैं किस तरह से ड्रॉ करता हूँ। तो आप चाहे तो और भी अगर कोई है, अगर बिगिनर है, उसको जानना है कि मुझे परफेक्टली ड्रॉ करना है, तो आपके लिए बस सिंपली है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे यहाँ पे कैंडल स्टिक होता है, बस यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लाइन चार्ट को ड्रॉ करना है, उसको क्लिक करना है, ओके। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए मैंने जो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे सिंपली अब क्या करेंगे अपन, यहाँ से पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे, ये जो लो है इसको आइडेंटिफाई कर लिया, इस लो को मैंने फिर से आइडेंटिफाई कर लिया है, बस अब इन लो को अपने को हमको ज्वाइन करना है। जैसे ही ज्वाइन करेंगे ये हमारे होंगे सबसे परफेक्ट ट्रेंड लाइन। अब ये वाली ट्रेंड लाइन क्या है, असल में लाइन चार्ट क्या दिखाता है इसको समझिए। ये जो लाइन चार्ट होता है ये बताता है कि जो कि प्राइस ने क्लोजिंग दी है, प्राइस ने अपनी जो क्लोजिंग दी इस पॉइंट के पास, इस पॉइंट के पास, इस पॉइंट के पास क्या दिए दोस्तों, क्लोजिंग दिए। अब यहाँ पर प्राइस ने वन टाइम रिस्पेक्ट किया, फिर सेकंड टाइम भी रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर थर्ड टाइम रिस्पेक्ट किया, और फोर्थ टाइम प्राइस ने क्या किया दोस्तों, इसने प्राइस ने ब्रेक किया है, क्योंकि ये इनवैलिड हो जाता है। फिर बाद में आपको नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जैसे कि आप नई ट्रेंड लाइन आपको दिख पा रहे होगी इस पॉइंट से, अब ये वाला जो ट्रेंड है ये वाला आपको दिख रहा होगा, राइट। तो इस प्रकार से प्राइस अपने आप को खुद को चेंज करता रहता है, और हमें भी प्राइस के हिसाब से खुद को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर से फिर जैसे आपने एक बार इसको ड्रॉ कर लिया, आपको फिर से आना है कैंडल स्टिक पर, तो आपके सामने देख पा रहे हो जो एकदम परफेक्ट ट्रेड लाइन है वो आपके सामने ड्रॉ हो चुकी है। उसी प्रकार से अगर मैं आपको एक बताऊं, अब अपर साइड में देखिए, अपर साइड में क्या दिख रहा है आपको, ये ऊपर की साइड एक वन पॉइंट मिल रहा है, नीचे के साइड भी पॉइंट मिल रहे हैं, नीचे के साइड मतलब यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है। अब इन सबको हमने ड्रॉ तो कर लिया है, और इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो आपके सामने देखिए प्राइस ने कितने अच्छे से अपने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है। अब यहाँ पर आप चाहे तो इसको बॉडी टू बॉडी भी अटैच कर सकते हैं, ये तो आप पर है आपको किस तरह से फॉलो करना है। मैंने बॉडी टू बॉडी भी कनेक्ट करके दिखाया, प्राइस ने ट्रेंड लाइन को उसी प्रकार से अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, और जब मैंने वीक टू वीक किया है तब भी प्राइस ने अच्छे से उसको रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे, और अगर आपको और भी अच्छा से मास्टर बनना है ट्रेंड लाइन में, और आपको जानना चाहती है परफेक्टली किस तरह से ड्रॉ करना है, तो सिंपली मैंने बोला है प्राइस यहाँ पर आइए, यहाँ पर लाइन चार्ट को सिलेक्ट कीजिए और देखिए यहाँ पर एक बार टच किया है, यहाँ पर एक बार टच किया, यहाँ पर अब यहाँ से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको हमें निग्लेक्ट करना है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ट्रेंड लाइन को किस तरह से ड्रॉ करना है, और कहाँ से हमें ड्रॉ करना है, वीक टू वीक करना चाहिए या फिर बॉडी टू बॉडी कनेक्ट करना चाहिए। पर मोस्ट रिकमेंड करूंगा आप बॉडी टू बॉडी कनेक्ट करें। अब हम चलते हैं सेटअप की तरफ, हमें ट्रेंड लाइन पर किस तरह से बाय एंड सेल ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है, हमारी एंट्री कहाँ पर होगी और हमारा एसएल कहाँ पर होगा, इसको हम समझेंगे आप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देंगे, वही रूल है हमारा सिंपली, उसी प्रकार से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, राइट। अब यहाँ पर वन पॉइंट मिला, टू पॉइंट मिल गया, थर्ड पॉइंट पर आपको क्या करना है, सिंपल वहां पर जिस तरह से यहाँ पर देखिए जैसे एक रेंज बनी एक छोटी सी, जैसी ये रेंज आपको दिख रही है आपको क्या करना है, अप साइड पर आपका एसएल लगाना है, और डाउन साइड की तरह आपको क्या करना है,
सेल साइड के लिए पोजीशन ले ले रही है। अब इसका जनरल टारगेट क्या होगा, बस सिंपल जैसे मैंने आपको बोला था, हम जैसे अपर साइड की तरफ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं वैसे ही डाउन साइड की तरफ भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी हमें। हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया तो हमारा जो टारगेट होगा यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होगा दोस्तों, टारगेट होगा। अब ये मॉर्निंग में चला है, कहाँ पर चला है, अब आपको देखना पड़ेगा, नेक्स्ट डे के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको एंट्री लेनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको जनरली टारगेट यहाँ तक तो मिला ही होगा, और ये अपर है, आप कहाँ तक टारगेट और एग्जिट टारगेट कहाँ तक ले सकते हैं, कहाँ तक बैठ सकते हैं बस। पर अगर आप इसको कैलकुलेट करके तो मोर देन 1:3 के आसपास तो इसका टारगेट बनता ही है। अगर किसी ने यहाँ पर भी लिया है तो ये भी 1:3 के आसपास यहाँ पर टारगेट बनता है दोस्तों। एक इसमें याद रखिएगा, हम कब इसको सेल करेंगे और कब हम बाय करेंगे, मार्केट का ट्रेंड क्या है समझिए पहले। सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड अभी तो डाउन चल रहा है, राइट। यहाँ से अपन देखेंगे तो ये ट्रेंड जो चल रहा है अभी हमारा डाउन चल रहा है, तो इसीलिए हमने सेल किया है। अगर कोई बोलेगा देखिए यहाँ पे भी कंसोलिडेट किया है, अब यहाँ से बाय करूंगा, ये तो बहुत अच्छा ऊपर का है, नहीं यहाँ पर बाय नहीं करना है, इसको वेट एंड वॉच करना है। हो सकता है आपने अगर यहाँ पर बाय किया आपको प्रॉफिट भी हो जाए। अगर कोई होगा जो यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करता है यहाँ पर प्राइस कभी, तो यहाँ पर किसी ने अगर कंसोलिडेट करने के बाद बाय किया होता तो उसको लॉस ही होता। तो हमें ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड के साथ चलेंगे तो आपका ज्यादा प्रॉफिट बनेगा, वरना आपको ज्यादातर दिन लॉस ही होगे। तो सिंपली अब जैसे आप मैंने आपको बोला है यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंट्री एग्जिट समझिए, मैं आपको फिर से समझा तो किस तरह से हमारी एंट्री होगी। तो सिंपल हमें 2 पॉइंट जिस तरह से मिल गए, हम थर्ड पॉइंट पर क्या करेंगे, हम वेट करेंगे क्या वहां पर कंसोलिडेट कर रहा है, या फिर सिंपल देखिए कंसोलिडेट करना चाहिए या फिर वहां पर एक खादी निगेटिव कैंडल बने। निगेटिव कैंडल कुछ भी हो सकते, शूटिंग स्टार बन सकती है या फिर स्ट्रॉन्ग निगेटिव कैंडल हो सकती, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल हो सकती है, इन दो में से कोई भी चलेगा। बस जैसे ही उसका लो ब्रेक होगा या फिर उस रेंज को ब्रेक करेगा, उस रेंज का हाई हमारा एसएल होगा और लो हमारा, जो लो जैसे ही ब्रेक हुआ वो हमारी एंट्री होगी। और मैंने आपको टारगेट बताया, टारगेट आप जनरली आपके हिसाब से प्लान कर सकते हैं, रिकमेंड करूंगा आप इंट्राडे ट्रेडर है तो 1:2 ले सकते हैं। इतना बड़ा टारगेट मतलब थोड़ा सा आपके लिए पेशेंस लगेगा, इसीलिए आप इनिशियल डेज में आप ट्राई करें कि 1:2 को ही बुक करें। ये आपको और आपको कहाँ पर अवॉइड करना है, अगर आप अप ट्रेंड चल रहा है तो वहां पर सेल नहीं करना है, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वहां पर बाय नहीं करना है। जैसे कि ये डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पर कोई बाय नहीं करेगा, यहाँ पर सिर्फ आपको सेल ही करना है। अब हम एक एग्जाम्पल समझेंगे कि जहाँ पर हम बाय कर सकते हैं, बाइंग साइड के लिखा था एग्जाम्पल देखेंगे अपन, यहाँ पर चल सकता है अगर आप चाहे तो। देखिए यहाँ पर हमें अच्छे खासा ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ से हम अगर इसको ड्रॉ करेंगे एक वेल ट्रेंड लाइन, देखिए सिंपल किसी ने अगर यहाँ पर भी ड्रॉ किया 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम भी इसने रिस्पेक्ट कर रहा है तो अपने लिए अच्छा ही है, बस हमें लेते जाना है। और अपना टारगेट कैसा होगा आप सिंपल एक देखिए, बस मैजिक ऑफ ट्रेंड लाइन समझिए, बस सिंपल मैजिक ऑफ ट्रेंड लाइन। क्या हो रहा है यहाँ पर, ट्रेंड लाइन जो प्राइस है अपनी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है, उसके हिसाब से हमें डर भी नहीं लगेगा, हमें कॉन्फिडेंस आएगा, अरे नहीं अभी भी जो प्राइस है अपने चैनल के अंदर मूव कर रही है। तो इसकी वजह से जो बायर्स है जिन्होंने यहाँ पर किसी ने बाय किया तो वो भी इस ट्रेंड में बैठे रहेंगे और प्रॉफिट को रन होते देंगे, बस हमें भी उनके साथ चलते रहना है। एक हम बाइंग साइड के लिए भी एंट्री देख लेते हैं। अभी देखिए HDFC का चार्ट है यहाँ पर, ठीक है, हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिल चुके हैं, तो हम क्या करेंगे सिंपली हमारा जो ट्रेंड लाइन है ड्रॉ करेंगे, यहाँ से अगर ड्रॉ करेंगे हमारा एक सीधा ट्रेंड लाइन बनते जा रहा है, राइट। हमने ड्रॉ कर लिए, अब यहाँ पर क्या होगा सिंपल है, हमें 1 पॉइंट मिल चुका है, सेकंड पॉइंट मिल चुका है, जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पर जिस तरह से कंसोलिडेट किया है, बस हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों बाय करेंगे, और उसी के हिसाब से जो जहाँ तक प्रॉफिट चलता जा रहा है हम वहाँ तक हमारा प्रॉफिट बुक करेंगे, बस मिलता जा रहा है वहाँ तक हम लेते रहेंगे। जैसे ही आपको 1:1 1:1.5 मिले, जो आपका SL है उसको आप ट्रेल कर लीजिएगा, आपकी एंट्री यहाँ पर होगी और जो SL होगा वो छोटा सा होगा, और जो आपको टारगेट मिलने वाला है वो टारगेट आपको बहुत बड़ा मिल सकता है। ये देखिए यहाँ तक आपको आपका टारगेट मिल जाएगा, तो बहुत अच्छा है इंट्राडे के लिए, बहुत सफिशियंट जो प्रॉफिट है वो है। हमें अगर टारगेट को अच्छे से जानना हो प्राइस कहाँ तक मूव कर सकता है, तो हम सिंपली क्या करेंगे अप साइड की तरफ से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कराया तो हमें कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं अब प्राइस जो है ना अब यह इस ट्रेंड लाइन के आसपास जा ही सकता है, लगभग कंफर्म तो नहीं है पर उसके पास जाएगा, बायर्स उसको क्या करेंगे उस ट्रेंड लाइन के पास उसको लेके जाएंगे, तो ये कॉन्फिडेंस आता है दोस्तों। इसी प्रकार से हम ट्रेंड लाइन को यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। अगर आप इसको मास्टर कर ले तो यकीन मानिए आपका
70-80% प्राइस एक्शन इसी में आ जाता है। बस मैं आपको आज की वीडियो में इतना ही बताना चाहता हूँ, जो भी मैंने पॉइंट बताए थे उन सबको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।